फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ। एंड गेस व्हाट, वर्कशॉप का हालत देखो, प्लेन टर्निंग का फिनिशिंग हो रहा है अभी। देखो आज लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा, मतलब इस साइड से इधर तक। फेमस लस्सी में शॉप है ये, तो यहाँ से लस्सी ट्राई करने वाला है। देखो बादल क्या लग रहे हैं, देखो चारों तरफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और फिलहाल अभी मैं उठ चुका हूँ। ये बेड का हालत देखो थोड़ा सा खराब है, इसको सही कर देता हूँ और फिर चलता हूँ मैं नहाने के लिए। थोड़ी देर में कॉलेज के लिए भी निकलना है। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ। एंड गेस व्हाट, आज मैं इसी ड्रेस में कॉलेज जाने वाला हूँ, क्योंकि कल इतना ज़्यादा वेदर खराब था, आप लोगों ने ऑब्वियसली ब्लॉग में देखा होगा। तो इसीलिए मेरे जो टी शर्ट्स थे और कॉलेज के जो पैंट थे टोटली भीग गए, पूरा भीग गए। तो वो पहन के आज जाना पॉसिबल नहीं है। तो सर को कॉल करके मैंने और रोनित ने दोनों ने बोला है कि सर आज सिविल ड्रेस में हमें अलाउ करने के लिए, तो आज इसी ड्रेस में मैं कॉलेज जाने वाला हूँ। तो चलो अभी जल्दी खाना खत्म करता हूँ, निकलते हैं। तो 10 बजने वाला है, बस 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। बाहर धूप देखो कितना ज़्यादा है, मम्मी यहाँ पे इंतजार करें, चलो हिला हमें। और धूप इतना ज़्यादा हो गया, कल शाम के टाइम पे इतना कम धूप था और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, और सुबह के टाइम में धूप इतना ज़्यादा हो गया। चलो मैं चलता हूँ अंडालमोड, अंडालमोड पहुँचते हैं फिर देखता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बजे पहुंचना था लेकिन 10 बज गए, घर से निकल नहीं हूँ, तो जल्दी चलते हैं। चलो अभी फिलहाल अंडालमोड में आ चुका हूँ। रोनित भी आज शायद थोड़ा सा लेट हो गया होगा मेरे जैसा, थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया था तो वो भी बोल रहा था कि मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया होगा। देखते हैं सामने, वहाँ पे अगर आ गया होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रहा है। अभी कॉलेज में पहुँच चुका हूँ और इतने दिनों से कॉलेज आ रहा हूँ, बस 10 महीने हो गए, लेकिन पहली बार देखा है कि वर्कशॉप बंद है हमारा। अभी जो वर्कशॉप खोलते हैं वो अभी आए नहीं, ये देखो आ रहे हैं बस, अभी खोलेंगे। और यहाँ पे एनसीसी का वर्कशॉप का हालत देखो, इतना तेज़ तूफान आया था कल, वर्कशॉप उड़ क्यों नहीं गया हमारा, यही सोच रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं लाइट ऑन होता है कि नहीं, करंट है कि नहीं। ओह, करंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारे तो ऑन है, मीटर ऑन है लेकिन करंट आ नहीं रहा है। कल वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से यहाँ से मेन पावर आता है हमारा, ये बंद किया हुआ था, अभी ऑन कर दिया है। देखो पूरा वर्कशॉप में पावर आ चुका है, अभी चलते हैं वहाँ पर जाके काम करते हैं। स्क्वायर मेटल्स का अपोजिट साइड कटिंग करने के लिए ट्रूइंग हो चुका है कंप्लीट, लेकिन आज शौकोड़ नहीं आया है तो इसलिए रोनित ट्रूइंग कर रहा है। कर दिया है तो अभी इसमें पहले प्लेन टर्निंग होगा, उसके बाद ग्रूविंग होगा, फिर इसमें थ्रेड होगा कल जैसा, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा। कल राइट साइड हुआ था, यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा, मैं टूल ग्राइंड करके आता हूँ। देखो स्क्वायर से राउंड लाने के लिए कटिंग स्टार्ट हो चुका है प्लेन टर्निंग, और इतना ज़्यादा ये भी डेप्थ हो गया था, टूल हिल गया थोड़ा सा टूल हिल गया। अभी देखते हैं, एक टू डुकी ना, ताले ठीक ठाक काट। कल कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स आए थे उसके लिए सर ने एक लिस्ट तैयार करके देने को कहा था, क्योंकि सर कल आए थे नहीं, तो कल तो मैं भूल गया था, आज मैं बना के रखा हूँ। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे सर के जगह पे पास में यहाँ पे रख देता हूँ, मेरा काम ख़त्म। सेल सेंटर 3 जॉर्ज आग में अभी प्लेन टर्निंग हो रहा है, जो कि दीप कर रहा है, कल से यहाँ पे वही काम कर रहा है। और कूलेंट देने के लिए ऑनिमेस है, मेरा काम नहीं है, रोनित का है। हाँ, किसी और का काम, गुड। ये देखो 1 से 4 हो गए, तो मैं अभी चलता हूँ, यहाँ पे ग्राइंडिंग भी हो रहा है, सीनियर्स कर रहे हैं, मैं चलता हूँ रोनित के पास, वहाँ पे काम करता हूँ। प्लेन टर्निंग का फिनिशिंग हो रहा है अभी, देखो फुल स्पीड में मशीन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा शोर है मशीन का, वहाँ पे सेकेंड ईयर घूम रहे हैं हमारे। प्रूविंग हो चुका है ख़त्म और टूल पोच भी सेट हो चुका है, कॉम्पाउंड रेस से ही काटेंगे, क्रॉस लाइट से काटना हमने छोड़ दिया है, और आज लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा, मतलब इस साइड से इधर तक। तो उसके लिए ये देखो हमारा जो लीड स्क्रू है ये भी कनेक्ट हो गया है, धीरे धीरे घूम रहा है, और मेटल तो पहले से तैयार किया हुआ है, प्लेन टर्निंग और ग्रूविंग हो गया है, अभी बस इसको सही से डेप दे के लगाना है, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करते हैं। रोनित और प्रभात इन दोनों का जॉब है, ये लोग मिल के करेंगे। এই ডেপগুলো যদি মেশিন না নিতে পারতাম আমার আর কিছু করার না না এই ডেপ তো মেশিন নেবে, এটা এইটা যদি না নেয় তাহলে কী করা হবে, এতটুকু ডেপ না নিতে পারলে কিছু করার না। লেফট সাইড থ্রেড কাটিং স্টার্ট হয়ে চুকা হয়, সেই টাইম পে বন্ধ নেই হওয়া তো পুরো মেটাল খারাপ হয়ে সকতা হয়। কি
इसलिए अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ और कैमरे का भार किसी और को देता हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। फाइनली हमारा थ्रेड कंप्लीट होने वाला है, बस ये लास्ट कटिंग है और आज का थ्रेड कल से बेहतर बना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बेहतर बना है। रोनित तो अभी सामान बाकी सारे घुसाने के लिए गया है उधर, और ये सारे यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं लोग। मुझे ये बंद भी करना है सही टाइम पे, बंद नहीं किया तो पूरा थ्रेड ख़राब हो जाएगा। ये हो गया थ्रेड कटिंग कंप्लीट, अभी इसको बंद करता हूँ, फिर एक बार ये स्कूप इंच गेज से एक बार चेक कर लेता हूँ कि ठीक ठाक आया कि नहीं, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर फाइल चलाना है। शॉप का काम फिलहाल ख़त्म हो गया है और बहुत दिनों के बाद इसी ड्रेस में कॉलेज में आके काम भी हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है। अब चलो सेकेंड ईयर से शार्प लेते हैं, सेकेंड ईयर के वजह से हमारे पास शार्प नहीं है और हाथों के हालत पूरा ख़राब हो गए। फिर चलते हैं लंच करने के लिए, फिर घर जाना है। सेकेंड हाफ में हमारा क्लास नहीं हुआ आज भी, क्योंकि आज भी नौ सर जाने वाले तारा सर के पास आपके हॉस्पिटल में। अभी लंच तो ख़त्म हो गया मेरा भी और रोनित का भी, रोनित वहाँ से आ रहा है, अभी बाइक निकालते हैं चलते हैं। धूप तो थोड़ा सा है अभी, लेकिन कभी कभी बीच बीच में धूप कम हो जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, अभी तो है वैसे। तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा बैनाचित्ती में, रौनित का कुछ काम है, तो पहले स्कार्फ पहन लेता हूँ। भाई स्कार्फ टा लगा भाई, मुझे तो पहनना नहीं आता है, तो रौनित लगा देगा उसके बाद निकलते हैं। बैनाचित्ती बाजार में आए थे जो काम करने के लिए, वो एक काम तो ख़त्म हो गया, इंश्योरेंस एक कंपनी में जाना था तो वो हो गया। तो अभी रौनित यहाँ पे आया है, ये एक बैनाचित्ती के अंदर एक बहुत शोर है, यहाँ पे बैनाचित्ती के अंदर एक फेमस लस्सी में शॉप है ये, तो यहाँ से लस्सी ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद एक बार सिलेदर्स में जाना है, रौनित का कुछ काम है यहाँ पे सिलेदर्स में, कुछ टू लेना है शायद उसको, अभी इंतज़ार करते हैं। चलो आ गए, लेके देखते हैं, मिल गया, ये देखो आगे देखता हूँ, मस्त है, अच्छा बना, देखने में भी अच्छा ही है। वाह, इतनी धूप में लस्सी पीने का मज़ा ही कुछ और है। चलो लस्सी ख़त्म करता हूँ फिर निकलते हैं। अंडाल मोह में तो पहुंच चुका हूं और अभी घर की तरफ ही जा रहा हूं, और वेदर देखो कल जैसा धीरे धीरे हो रहा है, धूप तो टोटली चला गया है। बस मैं जो सोच रहा हूं वो सच में ना हो जाए मेरे घर पहुंचने से पहले, क्योंकि कल एक बार भीग गया था और आज एक बार फिर से भीग गए तो डेफिनेटली बुखार आ जाएगा। तो जल्दी फ़िलहाल अभी घर पहुँचता हूँ, वेदर का कुछ भी भरोसा नहीं है। अभी तो 5:30 बज चुका है और मैं थोड़ा सा छत पर आया हूँ, मम्मी देखो वहाँ पर खड़े होके मस्त लोग देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं सामने रोड से, मम्मी वो देख रही हैं। और आज का वेदर देखो कितना मस्त है, देखो बादल क्या लग रहे हैं, देखो चारों तरफ, सही में ये वाला जगह देखो एकदम वाइट कलर का बादल, मज़ा आ गया देख के। और आज देखो कल थोड़ा देर से निकले थे कॉलेज से, कल उतना ज़्यादा बारिश हुआ, उतना ज़्यादा तूफान, हवा मस्त मतलब एकदम उड़ के चले जाते ऐसा वाला तूफान चल रहा था, खतरनाक वाला। और आज इतने जल्दी निकल गए, सोचा था कि आज थोड़ा सा बारिश होगा इस टाइप का जब घर में पहुँच जाएंगे उसके बाद, लेकिन आज कुछ हुआ ही नहीं। आज 3:30 बजे के अंदर घर में आ गए, अभी 5:30 बज रहा है, कुछ हुआ नहीं। लेकिन वैसे वेदर मस्त हो चुका है, वेदर सही है, वेदर तो ठीक ठाक है, धूप टोटली चला गया है, मस्त थोड़ा थोड़ा हवा भी दे रहा है, गर्मी भी ऑलमोस्ट चला गया है बोल सकते हो। तो बस ऐसा ही है, जिस दिन ज़रूरत होता है उस दिन होता नहीं है, और जिस दिन ज़रूरत नहीं होता है उसी दिन वेदर ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फंस जाता है, यही दिक्कत होता है। चलो मैं अभी फ़िलहाल चलता हूँ नीचे इंटरनेट कैफ़े में, अभी तो 5:45 बज रहा है और अंधेरा तो हुआ नहीं है, अभी भी 1 घंटे के बाद शायद अंधेरा होगा, अभी तो गर्मी का टाइम है ना, तो 6:30 बजे तक तो ऐसा ही वेदर रहने वाला है। और शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमारा वो शायद जल रहे हैं, हमारा जो लाइट है स्ट्रीट लाइट वो जल गया है, तो 5 बजे का टाइमर है, शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे का टाइमर है, वो तो जल रहा है। मैं चलता हूँ फिलहाल नीचे इंटरनेट कैफे में, थोड़ी देर वहाँ पर बैठता हूँ, फिर देखते हैं क्या किया जाए। आज के लिए फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।